हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, एक लाइट हाउस के ऊपर से। तो सबसे पहले हम एक लाइट हाउस बना लेते हैं, ये मान लो एक हमारा हो गया लाइट हाउस, ठीक है। क्या हो गया लाइट हाउस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि भाई दो एंग मतलब दो शिप आ रहे हैं अपोजिट साइड में, एक इस साइड में आ रहा है और एक इस साइड में आ रहा है, ठीक है। अपोजिट साइड में आ रहे हैं और बोल रहा है कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ऑफ इट्स आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा, और जो इनके एंगल बन रहे हैं ना ये और ये, हमने मिला दिया इनको, और डिप्रेशन एंगल यानी ये यहां वाले ये और ये क्या बन रहे हैं, एक तो अल्फा बन रहा है और एक बीटा बन रहा है। तो ये और ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये इक्वल हो जाएगा, यानी ये वाला अल्फा हो गया और ये हो गया बीटा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, अपोजिट साइड्स ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी एच, अगर ये हाइट कितनी है एच मीटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप, और बोल रहे लाइन ज्वाइनिंग द शिप यानी ये और ये पासिस थ्रू द फुट, पास हो रही है यहां फुट से ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की, तो शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज, अब ये वाली डिस्टेंस यानी ये यहां से और ये यहां तक ये हमें शो करनी है, ये कितनी है, ये बोल रहा है कि ये है h और ये दी हुई मतलब 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा इंटू 10 बीटा मीटर, इतने मीटर है अगर ये h मीटर। तो देखो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इस ट्रायंगल से, ये वाली ट्रायंगल से इसके हम नाम रख सकते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी इस ट्रायंगल में हम ये वाली डिस्टेंस फाइंड करेंगे यहां से यहां तक, ठीक है। फिर इस ट्रायंगल में हम यहां से यहां तक फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इन दोनों का पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखो भाई हम सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ पे, देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, पी बी पी, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा बोलते हैं, मतलब ये इंडिजीनियस फॉर्मूला है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म हो गई एक तरीके से याद करने के लिए। तो एबीसी ट्रायंगल में देखो, एबीसी ट्रायंगल में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी CB, ये क्या हुआ इक्वल टू 10 अल्फा, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, हमें मतलब CB की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, CB को उधर ले आते हैं और 10 को इधर ले आते हैं, तो H अपॉन 10 अल्फा इक्वल टू CB, CB इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे ना, तो 10 अल्फा इधर आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी एक इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में देखेंगे, तो ए बी डी ट्रायंगल में देखेंगे तो वैसे एक परपेंडिकुलर एच अपॉन बी डी, ये क्या हो जाएगा 10 बीटा, ठीक है, 10 बीटा हो गया। अब हम यहां से बी डी की वैल्यू ले लेते हैं, तो देखो उसको क्या करेंगे, एच इक्वल टू बी डी इंटू 10 बीटा, ठीक है। अब बी डी को इधर रखो, बीटा को उधर ले जाओ, तो बी डी इक्वल टू एच अपॉन 10 बीटा, ठीक है। तो बी डी और सी बी दोनों को ऐड कर देंगे, और सो सिंपल, बी डी प्लस सी बी कितना हो गया, एच अपॉन 10 अल्फा प्लस एच अपॉन 10 बीटा, ठीक है। दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, 10 अल्फा से 10 अल्फा कटेगा, एच 10 बीटा, 10 बीटा से बीटा कटेगा, एच 10 अल्फा, ये हो गया हमारा, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस ये आ गया,
ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।